सदगुरु की सचिन नवा जी, प्यारी सा संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सतगुरु सेवा से रिझते हैं। प्यारी सा संगत जी, जब हम सेवा करते हैं ना तो सतगुरु जी बहुत खुश होते हैं। सेवक पे हमेशा स्वामी रिझ जाते हैं। जो सेवक सदगुरु के डिसिप्लिन में हमेशा रहते हैं, तन मन धन से निरंतर सेवाएं करते हुए चले जाते हैं, तो दातार मेहरबान हो जाता है, दातार रिझ जाता है। अगर सदगुरु को रिझाना चाहते हैं हम, तो हमें सदगुरु की सेवा करनी पड़ेगी। जितना हम सेवा करेंगे उतना ही सदगुरु हमसे खुश रहते हैं। सदगुरु सेवा से ही खुश होते हैं। जब सेवक सेवा में मगन रहता है, सेवा की लगन लगी रहती है, तो सदगुरु कृपा निरंतर बरसती रहती है। सेवक है जो मालिक का हर आज्ञा पूरी करता है, सेवक है जो मालिक का खलकत की सेवा करता है, सेवक है जो मालिक का वह नेकी से भरपूर रहे, सेवक है जो मालिक का वह कुल बदियों से दूर रहे, सेवक है जो मालिक का वह नाम मालिक का जपता है, सेवक है जो मालिक का यह उसकी इज्जत रखता है, सेवक है जो मालिक का ना चिल्लाए फरियाद करे, अवतार कहे उस सेवक को तो मालिक भी खुद याद करे। प्यारी सा संगत जी, एक सेवक का जो ध्यान है ना, हमेशा गुरु चरणों में ही रहता है। भक्त गुरु का दम दम पल पल बनकर दासी रहता है, वही कर्म है करता गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहता है। लाख चतुर हो चाहे गुरसिख पर ऐसा ना मूल गिने, लख गुरसिख दौलत वाला गुरु चरणों की धूल गिने। गुरु के दर पे आके गुरसिख अपना आप मिटाता है, अनजाने में भूल करे वह तो भी दिल डर जाता है। गुरसिख को नहीं इच्छा फल की, कर्म सदा निष्काम करे, कहे अवतार ऐसे गुरसिख का सदगुरु रोशन नाम करे। तो प्यारी सत्संगत जी, हमने हमेशा सेवा में मन को लगाना है, निरंतर सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है। जब भी सेवा का शुभ अवसर मिलता है तो भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर सेवा करना है। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच करार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्षाता है। यहाँ पर सहनशाह जी प्यारे सेवक के बारे में समझा रहे हैं कि जो प्यारे सेवक होते हैं वो सतगुरु के पांच प्रणों का पालन करते हैं, निमाना एक विनम्रता विनम्र भाव में रहते हैं, भक्तों का सत्कार करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, गुरु की संगत से प्रेम करते हैं, गुरु संगत का सत्कार करते हैं, सभी का आदर सत्कार करते हैं। जब भी संत मिलते हैं तो संतों से प्रेम से विनम्रता से पेश आते हैं, संतों की महिमा गाते हैं, संतों का यश गाते हैं। और जो ऐसे सेवक होते हैं तो गुरु अंतर्यामी उनको देखकर हर्षाता है, खुश होता है, सदगुरु सेवा से रिझते हैं। ऐसे सेवक पर हमेशा गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जो गुरु को हमेशा अपने जीवन में बसा लेते हैं, अपनी सोच में अपने कर्मों में गुरु को बसा लेते हैं, तो उनका जीवन महान बन जाता है। ऐसे महान सेवक संसार में पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस जन को तीन लोक भय नहीं। गुरु समर्थ सिर पर खड़ा, कहां कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाड़े पास। जो गुरु के सेवक होते हैं, समर सदगुरु का हाथ हमेशा उनके सर पर रहता है, हर पल निरंकार गुरु
निसेवक का पर्दा आप ही ढकता है, संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ शीर्ष पर रखता है। हर पल हर घड़ी जिसके ऊपर हाथ या रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके सिर पर, वह दुनिया से डरता नहीं। इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी यह अपना चाहे मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। कहे अवतार वह मरे ना जन्मे, जिसने नाम चितार लिया। तो सेवक इस निरंकार को चितार लेते हैं, चित्त में धारण कर लेते हैं, हमेशा इसका ही सिमरन करते हैं, निरंतर सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, भक्तों का सत्कार करते हैं, संतों का यश करते हैं, संतों की महिमा गाते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं। तो सद्गुरु निरंकार बहुत खुश होता है। तो आओ प्यारी सत्संगत जी, हम तन से मन से धन से दातार ने जिस काबिल हमें बनाया है, हम निष्काम निरक्षित भाव से सतगुरु की सेवाएं करते जाएं। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निरक्षित और गुरु को बाती है। देश काल और समय मुताबिक ज्यों सतगुरु चलाता है, गुरु की आज्ञा सिर पे रख के गुरसिख चलता जाता है। मानव जग में गुरसिख पाता, दरगे में भी हो परवान। कहे अवतार की हर पर उसका रखवाला हो यह भगवान। तो ये रखवाला भगवान बन जाता है, सतगुरु बन जाता है ऐसे सेवक की, जो निरंतर नित्य प्रति मानवता की सेवा करते रहते हैं, संतों की सेवा करते रहते हैं। तो आओ प्यारी सत्संगत जी, हम सतगुरु से यही वरदान मांगे, सेवा का वरदान मांगे कि दाता ये सेवा जो आपने बख्शी है, हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे सतगुरु हे भगवान, मुझको तेरे पे हे दाता मान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। तो ये अवस्था सेवादार की हमेशा बनी रहे, क्योंकि सेवा करने से ही सतगुरु रिझते हैं। तो सतगुरु को रिझाना है तो हम अपने आप को सेवा में समर्पित कर दें, सेवा सत्संग सिमरन हमेशा करते रहें। जो निरंतर निप्रति सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं, तो दातार उन पर मेहरबान होते हैं, सतगुरु सेवा से ही रिझते हैं। प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।